जडेजा के जाने के बाद सीएसके की टीम कौन संभालेगा? एमएस धोनी हमेशा तो नहीं रह सकते टीम के कप्तान, तो कौन होगा चेन्नई का नया सुपर किंग? क्या सीएसके के नए कप्तान होंगे ऋतुराज गायकवाड़? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आईपीएल में चेन्नई की टीम इस समय अगले कप्तान को लेकर अधर में लटकी हुई है। धोनी ने इस सीजन कप्तानी छोड़ी और जडेजा कप्तान बन गए। जडेजा कप्तानी का दबाव झेल नहीं पाए और एक बार फिर कप्तानी धोनी के पास आ गई। सवाल ये खड़ा होता है कि धोनी के बाद चेन्नई का अगला कप्तान कौन होगा, क्योंकि धोनी हमेशा तो टीम के कप्तान रह नहीं सकते। ऐसे में नया कप्तान कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस बड़े सवाल का जवाब भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने दिया है। सीएसके को सलाह देते हुए सहवाग ने ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का फ्यूचर कैप्टन बता दिया। सहवाग का मानना है कि गायकवाड़ शांत स्वभाव के हैं और उन्होंने महाराष्ट्र की भी कप्तानी की है, जिस वजह से वो गेम को चलाना जानते हैं। वहीं धोनी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने अपने बयान में कहा, वो काफी शांत होकर खेलता है। अगर वो शतक लगाता है तो भी शांत रहता है और जीरो पर आउट होने के बाद भी उसका रिएक्शन एक जैसा होता है, ये उसके चेहरे से नहीं दिखता। अगर वो शतक बनाने से खुश है या फिर डक पर आउट होने से दुखी है, उसके पास नियंत्रण है, उसके पास एक अच्छा कप्तान बनने के लिए आवश्यक सभी गुण है। वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कप्तानी कर रहा है, इसलिए उसको मैच को चलाना आता है। किसको गेंद दी जानी है, बल्लेबाजी क्रम में क्या बदलाव करने की जरूरत है, वो सब जानता है। इसके आगे सहवाग ने गायकवाड़ से धोनी की तुलना की और बताया क्यों वो बेहतर कप्तान बन सकते हैं। सहवाग कहते हैं, वो एक ऐसा कप्तान बन सकता है जो एमएस धोनी के बाद लंबे समय तक टीम की कप्तानी कर सकता है। दुनिया एमएस धोनी को एक अच्छा कप्तान क्यों मानती है, क्योंकि वो शांत है, अपना निर्णय लेते हैं और अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। उनके पास भाग्य भी है। भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो बहादुर हैं, और एमएस धोनी एक बहादुर कप्तान है। गायकवाड़ में धोनी के सभी गुण हैं, एक को छोड़कर। मैं उनके भाग्य के बारे में निश्चित नहीं हूं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, सीएसके मैनेजमेंट और धोनी क्या फैसला लेते हैं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के चैंपियन बनने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इस साल उनका बल्ला ज्यादा नहीं चला, लेकिन बतौर कप्तान वो अच्छे विकल्प हो सकते हैं या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें।